आपको प्रेजेंट करने विद्याकुल के बारे में। हम भारत की एकमात्र संस्था है जहां पे क्षेत्रीय भाषा से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 9वीं से 12वीं कक्षा स्टेट बोर्ड के बच्चों से। उसके बारे में और आपको तरुण जी बताएंगे। पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपके पास चैट का ऑप्शन है तो आप यस लिख के हाँ जी, हाँ भेजिए, जी थम्स अप। जिंदल जी, मैं पहले थोड़ा सा मैं एड्रेस कर दूं अपनी बीएलईज को, कि जी जी सभी बीएलईज को भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे सीएससी स्टेट उत्तर प्रदेश की तरफ से आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत आज हमारे साथ, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था एक बार को, कि विद्याकुल एक प्रोजेक्ट लेकर के हम लोग आ रहे हैं अपने साथ। तो विद्याकुल के संस्थापक और सीईओ श्री तरुण साहब हमारे साथ हैं और प्रणय जिंदल जी हैं बिजनेस हेड विद्याकुल से। तो ये परियोजना हम लोग अपने सीएससी के माध्यम से इसको शुरुआत कर चुके हैं, जिसकी एक वर्कशॉप अभी पिछले दिनों इलाहाबाद जनपद में थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आज हम लोग बिल्कुल एक लेमैन की चर्चा करेंगे, एक आम बीएलई की तरह, कि ये गुरुकुल या विद्याकुल परियोजना है क्या, इसमें बीएलई कैसे पार्टिसिपेट करेगा। तो साथ में हमारे साथ प्रणय जिंदल साहब हैं और तरुण सैनी साहब हैं, जो पूरी तरह से इसमें बेसिक कैसे क्या हुआ। हम चाहेंगे भी सर कि पहले आप कौन हैं, आपकी संस्था का क्या उद्देश्य है, सीएससी के साथ आप कैसे जुड़े और आप क्या देखते हैं, और सीएससी बीएलई के लिए हम इसको लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक सीएससी बीएलई अपने रोजगार में कैसे इजाफा कर सकता है। तो इन चरण में हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो सर आप शुरू करें सर। तो यहाँ पे मैं गांव गांव में बैठे हुए बिल्कुल वो सभी बीएलईज जो अपने आप में पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑनलाइन माध्यम से उन सभी बीएलई भाई भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत अपना नमस्कार। और यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ और विद्याकुल है क्या। तो मैं आप ही की तरह अंबाला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां पे अधिकतर लोगों का व्यवसाय खेती है और मेरे पिताजी भी खेती करते हैं आज भी। और आज भी मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल में था तो मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं, और याद है मुझे जब भी मैं अपने अपने स्कूल टाइम में था तो एक बहुत बड़ी समस्या है गाँव में, वो है कि आपको एक अच्छी शिक्षा नहीं आपको मिल पाती, या आपके आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं होता, या अगर आपके जो स्कूल्स हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपकी मेट्रो सिटीज में हैं, आपके गांव से दूर हैं। इसी तरह बहुत सी ऐसी भी समस्याएं हैं कि वहां जो गांव में रहने वाले हमारे आज के जो छात्र हैं वो कहीं अपनी जो उनकी स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो बाहर जा पाए, किसी अच्छी मेट्रो सिटी में जाके पढ़ पाए। तो इन सभी चीजों का जो अभाव जो रहा है वो मेरे अपने बचपन में भी रहा है एजुकेशन सेक्टर में। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो मैं हूँ, उसके बाद मैंने अपनी जो हायर एजुकेशन गांव से किया, फिर मैं बाहर जाके पढ़ के आया हूँ। और इसी एक जो ये समस्या मेरे साथ हुई, उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने विद्याकुल को स्टार्ट किया है। जो विद्याकुल है वो भारत का एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो कि यूपी बोर्ड और जो गांव के बच्चे हैं, जो स्टेट बोर्ड का बच्चा है, उन बच्चों को उनकी ही भाषा में ऑनलाइन ट्यूशन देता है। उनके उनके फोन में वो आराम से घर बैठ के एक छोटा सा अमाउंट देके अपनी साल भर की ट्यूशन अपनी भाषा में इंडिया के बेहतरीन टीचरों से यहाँ पे ले सकते हैं। और आज के समय, इस समय की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आज के टाइम में यूपी का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल जो कि जय महादेव विद्याकुल है, वो हमारा अपना चैनल है। तो आज के टाइम में 25 लाख से ज्यादा यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जो कि कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र हैं, वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं यूट्यूब पे और हमारी ऐप पे है। ये एक टेक्नोलॉजी ऐप है जहां पे बच्चा अपने घर बैठ के एक छोटा सा अमाउंट पे करके अपनी शिक्षा को ले सकता है। ये विद्याकुल जो
जो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है, और आज के टाइम में यहाँ पे दिनेश सर की जो हमारे ऊपर जो साथ रहा, जो हमारे साथ साथ रहा, उनकी सहायता से आज हम यहाँ पे हर एक जो वीएलई जो गांव में बैठे हैं उन तक पहुंच पाए हैं। और आप सबकी मदद से हमारा यही मिशन है कि आपके आसपास वो बच्चा जिसको आज के समय जिसकी आर्थिक स्थिति आप ये कहिए कि अच्छी नहीं है, या वो उस सिचुएशन में जो एक पढ़ने वाला बच्चा है, अगर हम उसको उसके फोन पे एक अच्छी शिक्षा दे पाए तो मैं ये मानता हूं कि इससे अच्छा काम भारत के लिए, जो गांव के लोग हैं, हम जहां से आए हैं, उनके लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर गांव में से एक बच्चा आगे जाता है तो वो पूरे गांव का नाम रोशन करता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जो भारत के बच्चों में शक्ति है आगे बढ़ने की, वो जो लगन है, वो हार्ड वर्क है, वो आज के टाइम में किसी के पास नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि भारत के वो बच्चे जो आज के टाइम में गांव में बैठे हैं, वो अपने गांव से एक अच्छी शिक्षा लेके अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसी के जो लक्ष्य है, इससे हमने स्टार्ट किया है सर, और इसी से हम आगे बस जा रहे हैं। और आप सबका साथ रहा तो हर गांव के बच्चे तक हम ये शिक्षा बिल्कुल लेके जाना बिल्कुल चाहते हैं। सर, बिल्कुल तरुण जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका उद्देश्य गांव तक पहुंचना है, क्योंकि सुविधाएं उस तरीके से शहरों के अपेक्षा देखा जाए तो गांव तक नहीं है। और आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है सीएससी, क्योंकि सीएससी गांव के अंत छोर तक पहुंची हुई है। तो उसी के क्रम में अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, एक चीज तो आपने बड़ा यूनिक बताया कि तमाम पोर्टल्स, तमाम वेब प्लेटफॉर्म्स हैं या ऐप हैं, यूपीआई है, एपीआई हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादातर इंग्लिश मीडियम या ऐसे स्कूलों को ही ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आपने स्पेसिफिक यूपी बोर्ड के लिए ये चीज किया, ये एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि ऐसे बच्चों को जब उनकी मातृभाषा में, उनके क्षेत्रीय स्थानीय भाषा में चीजों को समझाई बताई जाए। कई बार को हमारे यहाँ के बच्चे, विशेषकर पूर्वांचल की बात करें, उत्तर प्रदेश से जो इधर के लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र है, या कहीं भी यूपी के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, भाषा को लेकर के बहुत असुविधा होती है। उस व्यवहारिकता से चीजों को नहीं बता पाते हैं लोग, जो स्टैंडर्ड आज के समय में इंस्टीट्यूशंस हैं, अब किसी का नाम कोट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है, उनके साथ असुविधा होती है। तो आपने ये बताया कि एक तो क्षेत्रीय भाषा को ध्यान में रखते हुए और यूपी बोर्ड को आपने स्पेसिफिक किया हुआ है, ये एक बेहतर आपका काम है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ और जानना चाहेंगे कि इस जैसे एक बच्चा रजिस्टर करता है हमारे साथ, सीएससी सेंटर पे आता है, रजिस्टर करता है, तो रजिस्टर करने के बाद आप अन्य प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं, और आप किन किन स्टेप पे बच्चे की मदद करते हैं, या कैसे अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, या अपना क्लास प्लान, लेसन प्लान कैसे आप लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करें सर। ठीक है सर। जो हमारी ऐप है सर, जो भी बच्चा हमारे साथ ऑनलाइन एसोसिएट होता है, कोई भी सीएससी सेंटर के थ्रू बच्चा हमारी ऐप पे आता है, तो सबसे पहले उस बच्चे की ऐप पे हर रोज कितनी क्लासेस होंगी, वो सारी फैसिलिटी उसको टाइम टेबल के थ्रू उसको दे दी जाती है। आप इसको इस तरह से मानिए कि जो एक ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, वो एक बच्चा जो ऑफलाइन में एक्सपीरियंस करता है, वो सारी फैसिलिटी सर हमारी ऐप पे हैं। यहाँ पे बच्चे को लाइव क्लासेस दी जाती हैं, तो हर रोज डेली बेसिस पे बच्चे को लाइव क्लास मिलती है। उस लाइव क्लास में आप देखेंगे कि गांव में या फिर स्कूलों में कई बार बच्चा हेजिटेट करता है टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए। उसे लगता है कि अगर उसने सबके सामने क्वेश्चन पूछा और किसी बच्चे ने उसका मजाक उड़ा दिया, टीचर भी मजाक उड़ा देते हैं, अरे भाई तुम्हें ये नहीं आता, इतना इतना आसान क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे फैसिलिटी बच्चे को दी है कि वो बच्चा अपने फोन से हमें कोई भी क्वेश्चन भेज सकता है, चाहे वो पिक्चर के थ्रू, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू, चाहे वो हैंड रेज करके। और यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जाता, जो भी बच्चे का डाउट वो लाइव क्लास में बच्चे का सोल्व होता है। जैसे ही बच्चे का डाउट सोल्व हुआ तो बच्चे से पूछा जाता है क्या आपको समझ आया, अगर वो हाँ बोलता है जो मैसेज के थ्रू, पॉपअप के थ्रू, तब हम आगे लेके जाते हैं क्लास को। तो बच्चे के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि ऑफलाइन में भी नहीं है।
जो बच्चा है वो हमारे साथ वन टू वन की तरह, आप और हम अभी बात करें, इस तरह से हमारे साथ एसोसिएट होके हमारे यहाँ पे लाइव क्लास लेता है। अगर बाई चांस कि वो लाइव क्लास किसी दिन वो इसको नहीं ज्वाइन कर पाया, तो वही लाइव क्लास उसको रिकॉर्डेड मिल जाती है, तो वो बाद में भी जाके उस लाइव क्लास को देख सकता है। जो साल भर में, जैसे अभी अभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तो उनको बहुत टेंशन है कि हमने कुछ अपना पिछला रह गया है सिलेबस। अब ऑफलाइन में बच्चा जो छूट गया वो छूट गया, वो वापिस नहीं कर सकता। यहाँ पे हम जो उसका जितना सिलेबस हो चुका है वो सारा बच्चे को लाइव क्लासेस के, ये क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू मिल जाता है, तो वो कोई भी वीडियो को देख सकता है। यहाँ दिए जाते हैं, एक होता है टाइपिंग वाले, एक होता है हाथ से लिखे, क्योंकि हाथ से लिखा नोट हमेशा ऐसा फील करता है जैसे आप देखिए स्कूल टाइम में बच्चों को रहता है कि जो हमारे क्लास का टॉपर है, नोट्स के लिए हम लोग अपने सीनियर के यहाँ जाया करते थे कि सर अपना नोट्स दे दो मुझे, उसको कॉपी करते थे तो थोड़ी अपनी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती थी। उससे ऐसा लगता था कि किसी ने अपनी भाषा में लिखा है, क्योंकि बुक्स लिखना एक अलग है सर, और अपनी भाषा में लिखना और समझना एक अलग बात है। तो वो चीज वहां पे अवेलेबल है। तो हैंड रिटन नोट्स बच्चे को दिए जाते हैं, बच्चे के टेस्ट होते हैं हर रोज वीकली कि बच्चा कहाँ पे है और वो कितना अच्छा कर रहा है। और फिर जब एग्जाम आता है तो आप देखेंगे कि एग्जाम टाइम में, आज के टाइम में ये क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जैसे कि विद्या का क्वेश्चन बैंक यहाँ पे बहुत फेमस है यूपी में। तो इस तरह के क्वेश्चन बैंक जो है उनके सोल्यूशन भी हमारी ऐप पे लाइव दिए जाते हैं, ताकि बच्चे की एग्जाम रिविजन भी हो। तो बच्चे का हम हाथ पकड़ते हैं जब बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, और हमारा यही गोल रहता है कि जब वो हमारे प्लेटफॉर्म से जाए, जब उसका पेपर हो, तो उसे उस टाइम में किसी की जरूरत ना हो, बस उसके दिमाग में ये रहे ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, और ये बात हमेशा याद रहेगी कि ये क्वेश्चन मैंने विद्याकुल ऐप पे से पढ़ा है। तो ये हमारा गोल हमेशा रहता है कि जो बच्चा हमारे साथ एसोसिएटेड है वो अपने पेपर में बहुत अच्छा करके जाए। और इसका सर आंसर ये भी है कि जो पिछले साल के बच्चे हैं, तो पिछले साल जो रिजल्ट आया है विद्याकुल का, टॉप 10 बच्चे यूपी में जो थे उनमें से 6 बच्चे सर विद्याकुल के स्टूडेंट थे, टॉप 6। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम यहाँ पे जो रिजल्ट है वो टॉप बच्चों का रिजल्ट देते हैं। और मैं ये नहीं कहूँ सिर्फ टॉप बच्चों के लिए, हम गाँव के हर एक बच्चे के लिए है जो की पास होना भी चाहता है, जिसे सिर्फ अच्छे मार्क्स चाहिए, उनके के साथ भी। तो इस तरह से हम बच्चे की अब जैसे अभी आपने एक चीज बताई कि हम लाइव सेशन दे रहे हैं, तो लाइव सेशन का कोई टाइम फ्रेम होता है कि इस बच्चे का इतने बजे से होना है, इस बैच का कुछ बैच डिफाइन होता है लाइव सेशन का? हाँ जी, अच्छा, बैच और टाइमिंग रहता है, टाइमिंग रहता है। अगर वो टाइमिंग मिस कर गया तो वो रिकॉर्डेड सेशन बाद में देख सकता है, उसको कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए उसका वो बैकअप प्लान ये रहता है कि रिकॉर्डेड मिल जाता है। अच्छा, यहाँ एक चर्चा का विषय जरूर है कि कल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेके बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं दिखता था, क्योंकि ये होता था फिजिकल क्लासेस बहुत जरूरी है, लेकिन कोविड ने लोगों को प्रैक्टिस में ला दिया और आज ये लोग इसको गांव तक भी इसको अप्रिशिएट करने लगे हैं, हैंड लेने लगे हैं लोगों द्वारा लिया। तो निश्चित है कि हमें अपनी पढ़ाई में सुधार करने के लिए स्कूल जाओ, उसके लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन बैक टू बैक अगर ये आप पैरेलली करते हो तो आपकी अच्छी तैयारी और अच्छे बच्चे की होगी। और मेरी समझ से कोई भी गार्जियन अपने बच्चे के लिए जो चीज जनरली
है, उसके थ्रू वो अपना डाउट पूछ सकता है, और वहां पे हमारे टीचर भी लाइव रहते हैं, और टीचर के साथ साथ हमारी असेंबली टीचर्स जो कि डाउट लेने वाले टीचर है, जो जो हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ाते पर डाउट लेते हैं, वो टीचर वहां पे उन सभी ग्रुप्स में एक्टिव है और हैंड टू हैंड बच्चों के डाउट जो है सोल्व करते हैं। और ये मुझे कहते हुए इतना इतना अच्छा लगता है कि हम भारत के बच्चों की बात करते हैं सर, भारत के बच्चे ऐसे हैं कि कई बच्चे आपस में एक दूसरे के डाउट करते हैं सोल्व, ऐसा होता है, ऐसा हो। हाँ, वो जैसे हम लोग के वीएलई के ही बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं, कुछ वीएलई का डाउट होता है तो दूसरा वीएलई लगे हाँ तो उसको उत्तर देता है कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे एग्जाम कराओ या मोजिला फैक्स यूज करो, तो वहां पे पेमेंट की दिक्कत आ रही है, तो वो ये शेयरिंग करते हैं। बिल्कुल दिखता है सर, ये भारत में ही दिखेगा एक दूसरे की हेल्प करना। आप मेट्रो सिटी में जाके तो माँ बाप एक दूसरे को बताते भी नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, दूसरे ज्यादा माँ, बट हमारा कल्चर भारत वाला वो भी वैसा ही है सर, एक दूसरे की मदद करना वो आज भी हमारे मतलब वो है कल्चर में। अच्छा, ये बैचेस बैचेस के टाइम फ्रेम के हिसाब से बैच सेट होते हैं या फिर 500 बच्चों का एक बैच बन रहा है, ऐसा कुछ होता है या ये होता है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक? यहाँ पे सर बच्चों का भी डिपेंडेशन है और यहाँ पे टाइम फ्रेम का भी है कि हर 2-3 मंथ के बाद बैच स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों के नंबर और टाइम फ्रेम इनको। हम एडमिशन लेना शुरू कर रहे हैं इस क्लास में और इस एक बार सब्सक्रिप्शन आपका ले लिया तो इतने समय तक के लिए सब्सक्राइब हो गया बच्चा, बीच के मिड टाइम में जो बच्चे लेते हैं उनके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह वही होता है या जो कुछ इसमें कुछ वेरिएशन है? सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जो बच्चे हमारे स्टार्टिंग ईयर में लेते हैं हमारे विद्यागुल ऐप पे और जो आपके साथ हमारी जो पार्टनरशिप है उसमें काफी अंतर है। अगर जो बच्चा विद्यागुल ऐप पे आके हमारा पैकेज लेता है स्टार्टिंग में, जैसे अप्रैल में जब हमारा अकेडमिक हमारी फीस रहती है, बट हमने स्पेशल किया हुआ है जो कि सीएससी के जो हमारे वीएलईज भाई हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि अगर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं लोगों हमारे पास आ जाए, आपके लिए एक स्पेशल प्राइस है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, जो एक बहुत बहुत ही स्पेशल प्राइस है। और जब हमारा बीच में सेशन रहता है, जैसे कि अभी एग्जाम आने वाले हैं तो एग्जाम टाइम में हम छोटे छोटे कोर्सेज निकालते हैं, जैसे 500 रुपए एक मंथ का या फिर एग्जाम रिवीजन, वो थोड़े छोटे कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज के प्राइस भी कम होते हैं और वो वीएलईज जो हम हैं उनके लिए भी वो बहुत ही अफोर्डेबल रहे, मतलब जो हमारी ऐप है और आपके यहाँ पे प्राइस में 30-40-50% का डिस्काउंट हमेशा रहता है। अच्छा, हमारे एक अभी व्यूवर्स हैं नरेंद्र पाल सिंह, इनकी चाहत है कि कुछ डेमो वगैरह कुछ हो तो आप दिखाएं सर, और मैं चाहूंगा कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो अपना क्वेश्चन इसमें जरूर डालें, आपको उत्तर दिया जाएगा, जो टैग चैटिंग बॉक्स है आपको उत्तर दिया जाएगा, और सेशन के दौरान अगर आप पूछते हैं तो इसी दौरान ही हम इसे कवर करेंगे, तो कुछ डेमो या पीपीटी ऐसा कुछ एज सच? हाँ जी, हमारा वैसे ऐप है और अगर आप जाएंगे हमारे ऐप पे तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के डेमोज हमारे ऐप पे है। क्या आपने एक वीडियो लिंक YouTube की लिंक भेजी थी, क्या मैं उसे प्ले कर दूं, उसमें कुछ है इसके संबंध में जानकारी? जी 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 जी, मैं उसको प्ले करता हूं एक सेकंड। आपने खोला अजय जी? मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ। लोगों के लगातार फोन आते हैं, लगातार आप लोग के मेल आते हैं, लगातार आप लोग के मैसेज आते हैं कि सर आपसे यूट्यूब में जुड़ना है, आप हमें यूट्यूब में ऑनलाइन पढ़ना है, कैसे हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं? ये सही वीडियो है? ये वीडियो आप ये सही वीडियो है, ये हमारे मुकेश सर आवश्यकता नहीं होगी, तो मैं आज आपको सब बताऊंगा। मेरे बगल में मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और उम्मीद करता हूं इसी तरह की आपकी भी स्क्रीन होगी, वहां पे किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे हर क्लास की नोटिफिकेशन जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखना जरूर। ठीक है,
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और ये मेरे हाथ में मेरा मोबाइल भी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, यूट्यूब पे जाकर के सबसे पहले, हालांकि मैंने पहले ही सर्च कर रखा अपना चैनल इसलिए सजेशन में दिख रहा है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे सर्च करूंगा जय महादेव विद्याकुल। जैसे ही मैं जय महादेव विद्याकुल यहाँ पे सर्च करूंगा तो सबसे ऊपर जय महादेव विद्याकुल चैनल आएगा। आप चैनल पे क्लिक करेंगे, चैनल पे क्लिक किया ये आ गया। सबसे पहले आपको पहला काम करना कि अगर हमारे इस जय महादेव विद्याकुल चैनल से जुड़ना है, जो एक शब्द आता आपका कि सर हमें आपसे जुड़ना है, तो जुड़ने के लिए बेटा आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ का ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, ये सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर से, उसको क्लिक कर देना। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो वहां पे सब्सक्राइब लिख जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पे सब्सक्राइब लिख जाएगा तो आपको बगल में एक बेल आइकन दिख रहा है ना, घंटी बनी हुई है, उस घंटी पे क्लिक करोगे तो तीन चीजें आ रही हैं, तीन ऑप्शन ऑल पे, नन पे और एक और आ रहा है, तो हम ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना काम करना है, फिर चलिए आपको चैनल की सैर कराते हैं। अब चैनल पे बच्चा होगा, सबसे ऊपर देखिए ये हमारा एक फनी वीडियो और यहाँ पे यही वीडियो आज बाद लग जाएगी। अच्छा, इसके नीचे आएंगे, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन होम, आप स्क्रीन को ही आप जब नीचे करोगे तब सबसे पहले आएगा बेटा अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स, उस दिन या उसके अगले दिन, अगले दो दिन बाद, चार दिन बाद, जो भी हमारी क्लासेस आने वाली होती हैं, वो लाइव क्लासेस आने वाली होती हैं, वो यहाँ पे लगी हुई है। जैसे एज एग्जाम्पल अभी आज मुझे फिजिक्स की क्लास लेनी है तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे फिजिक्स की क्लास लगी हुई है, मैं जैसे ही फिजिक्स की क्लास पे क्लिक करूंगा तो मेरे फिजिक्स की क्लास आ जाएगी। अब बच्चे कहते हैं सर हम आपको चैनल तक तो पहुंच गए, आपकी लाइव क्लास जान गए, पर हमें फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आती, तो एक काम क्या करो, दिन में एक बार चैनल पास करो, ये हमारा पूरा डेमो है, एक यूट्यूब चैनल जहाँ पे हमारे साथ 25 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं और एक हमारा जो है ऐप जहाँ पे 1 लाख बच्चे हमारे साथ। पहले जो 50 सेल पूरा करेंगे मोबाइल रख रहे हैं और ये दिसंबर तक की स्कीम है। तो आपको कैसे करना है, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से, सीएससी एजुकेशन पोर्टल से लॉग इन करके लेफ्ट साइड पे आपका विद्याकुल मैनेजमेंट लिख के आएगा, वहां पे क्लिक करके आपको नया स्टूडेंट ऐड करना है। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस कि कैसे बच्चे को एनरोल करना है। स्कीम मैंने आपको बता दी, अगर आपने 50 बच्चों को दाखिल कर लिया 3 महीने में, मतलब अक्टूबर नवंबर अगर आप टॉप के 3 VLEs में रहे, तो अगर टॉप के 10 में रहे तो फिर आपको स्मार्ट वॉच दिया जाएगा जिसकी कीमत करीब 3-4 हजार रुपए। ठीक है, तो ये दोनों स्कीम्स हमने लॉन्च करी थी, बाकी आपको हर सेल पर कमीशन तो आएगा ही आएगा। हमारा 1300 प्लस GST का प्रोडक्ट है, तो 1300 रुपया कैश प्लस GST, उसमें से आपको 240 रुपया का कमीशन आएगा, एक एक बच्चे पे आपको 240 का कमीशन आएगा, और जो पैसा आपको सेटलमेंट में हर महीने आपको आएगा, शुरू में वॉलेट से आपका पूरा पैसा कट जाएगा और उसके बाद आपको सेटलमेंट में बाद में CSC द्वारा वो 240 रुपया आपको आ जाएगा पर स्टूडेंट। ठीक है सर, थैंक यू। मेरे समझ से आप एक कम समय में हम लोगों ने विद्याकुल को समझने की कोशिश किया और जो बात जो मुझे समझ में आई वो सबसे बड़ा बात यह है कि यूपी बोर्ड अपना उत्तर प्रदेश का बोर्ड और उस उत्तर प्रदेश के बोर्ड के लिए जो सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर के आगे बढ़ता है, उस बोर्ड के लिए एक अच्छी और व्यवस्थित प्लेटफॉर्म बच्चों की तैयारी के लिए जो एक वाजिब कीमत पे और CSE के माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल क्रांति के जरिए भाइयों के माध्यम से दिया जाना के लिए तय किया गया, तो इसको लेके आगे बढ़ते हैं। जहां कोई समस्या होगी उसको लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और समाधान की तरफ भी बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना नंबर ना मुझे चैट, मैं अभी आपका नंबर 1 सेकंड लाइन पे रखिए, मैं आपको, हाँ नहीं नहीं आप लाइन पे रहिए। जी इसमें से 3 लोगों का हम
आप मेरी तरफ से निश्चित है, आपका मेरा मेरी मेल आई डी आपको मिली गई होगी। आप ना जब भी कोई एक तो एक ये नीचे आपका नंबर फ्लैश कर रहा है विद्याकुल प्रणय जिंदल जी का, आप लोग यहां से ये नंबर लें और कोई वैसे क्वेरी होगी तो आप जिला प्रबंधक से बात करेंगे जी। लेकिन फिर भी स्पेशल क्वेरीज के लिए आप आपसे भी संपर्क कर सकते हैं। इनसे कह दीजिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे अगर रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को अब हम समाप्त करते हैं और अगला सेशन हम लेके आएंगे किसी उपलब्धि के साथ, जब इस व्यवस्था में हमारे वीएलईज आने वाली जो हमारी स्कीम्स हैं इसके स्कीम्स में जो पार्टिसिपेट करेंगे और जो विनर होंगे उनके अनुभव को साझा करेंगे इस आज की मुलाकात में। थैंक यू, थैंक यू।